तमिलनाडु में बिहारियों के साथ कथित तौर पर मारपीट के मामले में वीडियो वायरल को लेकर फंसे यूट्यूबर मनीष कश्यप को बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद का साथ मिला है। तमिलनाडु मामले में मनीष कश्यप पर कई मामले दर्ज किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी मनीष कश्यप के वकील की ओर से याचिका लगाई है। अब सोनू सूद ने ट्वीट कर मनीष कश्यप पर बड़ा बयान दिया है। मंगलवार की शाम सोनू सूद ने ट्विटर पर लिखा, जितना भी मैं मनीष कश्यप को जानता हूं, उसने हमेशा बिहार के लोगों के भले के लिए ही आवाज उठाई है। हो सकता है उससे कुछ गलती भी हुई हो, पर ये बात मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि वो देश हित के लिए ही लड़ा है। न्याय और कानून से ऊपर हमेशा देश में कुछ नहीं है, जो भी होगा सही होगा। बता दें कि मनीष कश्यप पर कई जगह अलग अलग मामले दर्ज किए गए हैं। उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है कि सारे केस को क्लब करके बिहार में कर दिया जाए। मनीष कश्यप पर NSA भी लगा है। मंगलवार 11 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर सुनवाई होनी थी, लेकिन नहीं हो सकी। अब 21 अप्रैल को सुनवाई होगी। न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति संजय करोल की पीठ ने केंद्र, तमिलनाडु और बिहार सरकार को नोटिस जारी किया तथा यूट्यूबर मनीष कश्यप की याचिका पर एक सप्ताह के भीतर जवाब देने को भी कहा। आपको बता दें कि तमिलनाडु के नाम पर फर्जी वीडियो वायरल हुआ था। दावा किया गया था कि तमिलनाडु में बिहारियों की मारपीट हो रही है और उन्हें भगाया जा रहा है। इसी से संबंधित एक वीडियो वायरल किया गया था, जिसको लेकर पुलिस ने मनीष कश्यप पर प्राथमिकी दर्ज की थी और उसे गिरफ्तार कर लिया था। IOU जांच कर रही है। मनीष कश्यप के घर में बेतिया में एक दूसरे मामले में कुर्की करने के लिए पुलिस पहुंची थी तो उसने सरेंडर कर दिया था। उसके बाद IOU ने कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेकर पूछताछ की। इसके बाद तमिलनाडु की पुलिस ट्रांजिट रिमांड को लेकर तमिलनाडु चली गई।